यानी वोट भी ले लोगे और जान भी ले लोगे और फिर लीपापोती करोगे, ये क्या बात है? सिर्फ वोट के वक्त ये अल्पसंख्यक समाज के लोग को याद आता है। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक ही दिन में थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 2 CSP संचालक के साथ लूट हो जाती है, जिस मामले में देवरिया थाना की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 3 लोगों को हिरासत में लेती है। वहीं पुलिस अभिरक्षा में एक आरोपी की मौत हो जाती है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर BJP के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे मुजफ्फरपुर, जहां उन्होंने नीतीश और तेजस्वी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही RS भट्टी, जो बिहार के DGP है, उनसे भी इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। पूरे मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, राजनीति से बहुत प्रेरित नहीं है। ये सिर्फ ये है कि गरीब एकदम पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के वो लोग हैं, उनका वोट तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको उसके बदले में मौत दे दी गई और अभी तक बिहार सरकार खामोश। उनको न्याय मिलना चाहिए और अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं। प्रशांत हॉस्पिटल में भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं जी, हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की है, कहीं से रेफर हुआ था। वो दोनों बच्चे बचने चाहिए, हमारा यही अनुरोध है प्रशासन से कि थोड़ा इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। आगे सर क्या रणनीति रहेगी? अब प्रदेश अध्यक्ष जी को पूरी रिपोर्ट अभी देंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप नहीं रहेगी। हम कोई जाति धर्म समाज नहीं देखते, हम कहीं भी अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हैं। उस समाज का विश्वास न टूटे, इसीलिए ये प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग बता नहीं कर सकते, आप यानी दर्द को बयान करने की हिम्मत नहीं हो रही। इस बुरी तरीके मारा, बोड़ा ओढ़ा के मारा, और वहाँ पे जो मारा ये वासुदेव राम जी हैं, बहुत वहाँ के सम्मानित मुखिया सरपंच रहे हैं, उप मुखिया रहे हैं, मुखिया रहे हैं, ये वहाँ पर बता रहे थे। मैंने इनको कहा कि हम हमारे साथ चलिए ताकि मुजफ्फरपुर प्रेस को आप बता सकिए। इन्होंने बताया, उनकी माँ ने बताया, बाप ने बताया, उसके भाइयों ने बताया, गांव समाज ने बताया, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। सबके साक्ष ये गर्दा न्यूज वाले हैं, सामने उन्होंने जो बताया वो उन्होंने नोट किया है। तो मैं चाहूँगा आपको गप्पू जी जोड़ दीजिए कुछ। निश्चित रूप से कहा, यानी वोट भी ले लोगे और जान भी ले लोगे और फिर लीपापोती करोगे, ये क्या बात है? सिर्फ वोट के वक्त ये अल्पसंख्यक समाज के लोग को याद आता है और आज एक मर गया, इस पर सरकार क्यों चुप है? दो लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के कान पे जू नहीं रंग रही, क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? उन पर FIR क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? आ गया तो बच्चे बताएंगे, उनकी पिटाई पहले एक तन रात में हुई थी, दूसरे तन दिन में जब पिटाई हुई तब उनकी मौत हुई।